हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों पीएफ क्या होता है, पीएफ को कब कब निकाला जा सकता है, पीएफ को क्यों काटा जाता है, इन सब बातों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। दोस्तों पीएफ होता क्या है? दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा फील किया कि जो लोग जिनकी इनकम कम है उनको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कोई भविष्य निधि बनाया जाए, क्यों ना उनके लिए कोई ऐसा अमाउंट, कोई ऐसा व्यवस्था की जाए जिससे कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को थोड़ा सरल और आसान बनाया जा सके। दोस्तों इसी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने ईपीएफओ बनाया। दोस्तों ईपीएफओ क्या होता है? जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उस बेसिक सैलरी का 12% जो है हमारे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में से काटा जाता है, 12% पैसा, और 12% पैसा वो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है जिसमें वो व्यक्ति काम करता है। दोस्तों ये दोनों अमाउंट जोड़कर हम 60 सालों तक अगर कोई व्यक्ति काम करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो दोस्तों 60 साल के बाद उस पीएफ अमाउंट का कुछ ज़्यादातर पैसा जो है हमें कैश के रूप में उसी टाइम पर प्राप्त हो जाता है, और कुछ पैसे को हमें एक तरह से पेंशन बना दी जाती है जो कि हमें आजीवन मिलती रहेगी तब तक हम जिएंगे तब तक। दोस्तों वो वेरी करती है जिसने जितने दिन सर्विस की है, कितने दिन उन्होंने अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उनको कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों जो अभी का करंट रूल है उसके हिसाब से 1500 रुपये से लेके 6500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है 60 साल के बाद दोस्तों जो शुरू होती है। दोस्तों पीएफ अगर बाय चांस, अक्सर वैसे तो हमें पीएफ को नहीं निकालना चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर बाय चांस हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, कई बार हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए दोस्तों हमें कई बार फंड्स की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से अगर हमें किसी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो पीएफ को एडवांस में भी निकाला जा सकता है। दोस्तों क्या आप पहले जानते थे कि ये बात? अगर जानते थे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दोस्तों पीएफ एडवांस को निकालने के लिए हमें एक फॉर्म भरना होता है। दोस्तों वो फॉर्म आप यूएएन पोर्टल पर भर सकते हैं और अपना पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो इतना भी इजी नहीं है। पीएफ एडवांस को निकालने के लिए हमें प्रूफ दिखाना होगा कि हमें किस कारण, किस वजह के लिए पीएफ एडवांस निकालना है। वो का कारण कुछ इस तरह है, या तो कोई शादी हो, या कोई घर हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, और अभी हाल ही में नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों जो है कोविड पेंडेमिक। अगर हम कोविड पेंडेमिक की वजह से अगर फाइनेंशियल नीड्स हमारी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है दोस्तों तो भी हम अपने पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई पीएफ एडवांस के लिए, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने पीएफ का अमाउंट आप जितना हो सके उतना ना निकाले तो ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में आप किसी भी बैंक पे चले जाइए, एफडी करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए, जो आपके जो फिक्स रिटर्न्स के जितने भी ऑप्शन है सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको ईपीएफओ ही देता है, जो कि 3.5% के आसपास का रिटर्न देता है पर ईयर का। दोस्तों ईपीएफओ सबसे बेस्ट रिटर्न्स देते हैं जो कि सिक्योर रिटर्न्स है, क्योंकि शेयर मार्केट में आप कहीं भी जाओगे तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है दोस्तों, लेकिन ये 8.5% का रिटर्न्स तो आपका पक्का है ही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं और आपके लिए इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड बाय।